सब्सक्राइब एक्सपोजिंग द रियलिटी चैनल, प्रेस बेल आइकन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। वीडियो स्पॉन्सर किया है viewpackages.com वेबसाइट है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मोबाइल्स की साइट, जहां पर आप पाकिस्तान के हर ब्रांड के हर मोबाइल के लेटेस्ट प्राइसेस, अपडेटेड प्राइसेस, कमिंग सून मोबाइल्स, इनके स्पेसिफिकेशन, हर मोबाइल के ऑनलाइन डिफरेंट शॉपिंग साइट्स के ऊपर क्या क्या प्राइसेस है, वो सब कुछ इस वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सद्दाम फ्रॉम एक्सपोजिंग रियलिटी चैनल। पाकिस्तान के अंदर लास्ट 2 to 3 वीक्स के अंदर 5 new mobile लॉन्च हुए हैं। इन 5 मोबाइल के अंदर में से शाओमी वालों का Redmi 5 Plus मोबाइल भी है, जिसकी प्राइस रेंज 18,000 पे है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ये मोबाइल इस वक्त कंपीट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर बाकी 4 new mobile जो लॉन्च हुए, जिनकी प्राइस रेंज 20,000 से 32,000 पे के हैं, जिनके अंदर सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम प्रो, हुआवे वालों का पी स्मार्ट, ओप्पो वालों का A83 और सैमसंग का J7 Max मोबाइल मौजूद है। इन सबकी प्राइस रेंज 18,000 से लेकर 32,000 पे है। लेकिन कमाल की बात यह है कि शाओमी वालों का Redmi 5 Plus मोबाइल इन सबसे बेहतरीन है, इनकी स्पेसिफिकेशन सबसे अच्छी है और इसकी प्राइस रेंज सबसे लो है। इन सबसे लो प्राइस रेंज के अंदर सबसे हाईएस्ट स्पेसिफिकेशन वाला बजट फ्लैगशिप मोबाइल है Redmi 5 Plus। ये कैसे है? तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं Xiaomi Redmi 5 Plus का रिव्यू करने वाला हूं, उसकी स्पेसिफिकेशन बताऊंगा और इसके साथ साथ इसको कंपेयर करूंगा बाकी 4 मोबाइल से, और आप श्योर होंगे कि आपको Redmi 5 Plus मोबाइल क्यों परचेज करना है और क्यों इसकी स्पेसिफिकेशन इतनी अच्छी है। तो देखते रहिए वीडियो आखिर तक और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं इनके डिस्प्ले साइज की। तो हाईएस्ट डिस्प्ले रखने वाला जो मोबाइल है वो है Xiaomi Redmi 5 Plus। इसका डिस्प्ले साइज 6 इंच है। बाकी जितने भी 4 मोबाइल हैं उनमें से 3 मोबाइल Huawei P Smart, J7 Max और Oppo A83 का डिस्प्ले साइज 4.7 इंच है और Samsung Galaxy Grand Prime Pro का 5 इंच है। तो डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट जो है वो Xiaomi Redmi 5 Plus है। Xiaomi Redmi 5 Plus के अंदर IPS LCD है और इसका जो PPI है वो 402 है, जो कि बहुत बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। और इसी का अगर हम कंपैरिजन बाकी मोबाइल से करें तो इस वक्त इसके अंदर आप Xiaomi Redmi 5 Plus के अंदर हाई डेफिनेशन वीडियोस, हाई डेफिनेशन इमेजेस बना सकेंगे। फ्रेंड, डिस्प्ले की बात होगी, बैटरी की बात करें तो बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी Xiaomi Redmi 5 Plus सबसे हाईएस्ट बैटरी रखने वाला बजट फ्लैगशिप मोबाइल है पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त 5 मोबाइलों के दरमियान J7 Max, Huawei P Smart, Samsung Galaxy Grand Prime Pro और Oppo A83 मोबाइल के अंदर सेंसर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेंसर भी इस वक्त इन 5 मोबाइल में सबसे ज्यादा सेंसर जो है वो Xiaomi वाले के मोबाइल Redmi 5 Plus के अंदर है। यानी एक्सेलरोमीटर, प्रोक्सीमीटर, ये दोनों तो ऑलमोस्ट हर एक के अंदर है, कंपास भी ऑलमोस्ट, लेकिन Xiaomi वाले मोबाइल के अंदर फिंगरप्रिंट्स भी है। ऑल्टो के Huawei P Smart के अंदर भी फिंगरप्रिंट का सेंसर मौजूद है, लेकिन इसके अंदर जो एडिशनल एक सेंसर है वो है गायरोमीटर, जो कि बड़ा जबरदस्त है। यानी सेंसर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा सेंसर्स भी इस वक्त Xiaomi Redmi 5 Plus के अंदर मौजूद हैं। रैम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कीजिए तो Xiaomi Redmi 5 Plus के अंदर 3GB रैम है, लेकिन फ्रेंड्स कुछ मोबाइल के अंदर 4GB रैम भी अवेलेबल है, 2GB रैम भी अवेलेबल है। तो रैम पॉइंट ऑफ व्यू से भी Redmi 5 Plus मोबाइल जो है ये इस वक्त आउटस्टैंडिंग है। प्रोसेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो प्रोसेसर इस वक्त सबसे अच्छा जो प्रोसेसर है वो भी Xiaomi Redmi 5 Plus के अंदर, यानी Snapdragon 625। आप जानते हैं कि Snapdragon जितने भी इसके प्रोसेसर होते हैं ये आउट क्लास होते हैं, और 625 सीरीज का ये बहुत जबरदस्त है। लेकिन जो बाकी 4 मोबाइल हैं उनके अंदर या तो MediaTek का प्रोसेसर लगा हुआ है या Kirin का लगा हुआ है। तो दिस मीन्स के Xiaomi जो है सबसे जबरदस्त प्रोसेसिंग देने वाला है। बाकी जो मोबाइल होंगे उनकी या तो हीटिंग बहुत ज्यादा होगी या उनकी बैटरी कंजप्शन ज्यादा होगी, लेकिन Redmi 5 Plus मोबाइल की बैटरी भी कम यूज होगी और इसकी हीटिंग प्रॉब्लम भी नहीं होगी। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं कैमरे की। तो कैमरा किसके अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, तो कैमरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल्टो के Redmi 5 Plus की कैमरे की क्वालिटी कम नहीं है, लेकिन जो बाकी 4 मोबाइल है उनकी भी इतनी ज्यादा नहीं है। यानी एवरेज की बात करें तो ऑलमोस्ट सारे मोबाइल्स की जो कैमरा क्वालिटी है ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन सेल्फी पॉइंट ऑफ व्यू से Oppo A83 काफी ज्यादा बेटर होगा। लेकिन इसकी बात करें Xiaomi Redmi 5 Plus की तो इसका फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल है, बैक कैमरा 12 मेगापिक्सल है, इसके अंदर डुअल फ्लैश लाइट है, इसका अपर्चर 2.2 है, जो के बहुत जबरदस्त होगा। इस लास्ट के अंदर हम प्राइस कंपैरिजन करते हैं। Xiaomi Redmi 5 Plus सबसे लो प्राइस 18,000 रुपए के अंदर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है। ऑल्टो गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम प्रो की प्राइस भी 18,000 हो चुकी हुई है, ये 20,000 रुपए से स्टार्ट हुआ था, इसकी प्राइस कम हो गई हुई है। J7 Max की प्राइस 32,000 रुपए के अराउंड है, ये सबसे ज्यादा प्राइस रखने वाले मोबाइल है Huawei
अपनी स्मार्ट की प्राइस 25 से 26 हजार रुपए के दरमियान टैग की जा रही है, और ओप्पो A83 की जो प्राइस है वो भी 25 से 26 हजार रुपए के दरमियान टैग की जा रही है। तो फ्रेंड्स आप देखिए कि प्राइस पॉइंट व्यू से सबसे लो प्राइस रखने वाला भी Xiaomi Redmi 5 Plus है, और इसकी स्पेसिफिकेशन भी सबसे ज्यादा जबरदस्त है। फाइनल एनालिसिस मेरा यह है कि प्रोसेसिंग पॉइंट व्यू से, रनिंग पॉइंट व्यू से, बैटरी पॉइंट व्यू से, डिस्प्ले पॉइंट व्यू से सबसे ज्यादा हाई स्पेसिफिकेशन इस वक्त जो है Redmi 5 Plus की है। इसके अलावा कैमरा की क्वालिटी देखें तो नॉर्मल के अंदर इसकी आएगी Xiaomi Redmi 5 Plus की, लेकिन सबसे हाईएस्ट कैमरा क्वालिटी Oppo A83 की होगी। लेकिन Xiaomi Redmi 5 Plus की कैमरा क्वालिटी इतनी बुरी भी नहीं होगी कि आप इसको यूज नहीं कर सकते।